बहुत जबरदस्त अभिनेत्री रही ये, बड़े से बड़े हीरो की मम्मी बनकर आए और उससे पहले तो ये खुद भी हीरोइन बनी थी। नाम है इनका सुलोचना लाटकर। इनका जन्म हुआ 30 जुलाई सन 1928 में गांव खड़ाकलात तालुका चिकोड़ी कर्नाटका का बेलगाम जिला। बहुत बरस पहले इन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। ये कोल्हापुर के जयप्रभा स्टूडियो के लिए काम करती थी जो कि भालजी पेंढेरकर का था। भालजी पेंढेरकर इनके गुरु भी थे, वो खुद प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे और राइटर थे। सुलोचना ने बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया था फिल्म महारथी करण और वाल्मीकि में। उसके बाद ये बनकर आई हीरोइन फिल्म जय भवानी में। ये साल था सन 1948। ये वो बरस भी था जब महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी और वो गुजर गए थे। मैं तुम्हारा भेटा लाले होते शेवट पर्यंत सब पार छूने तक खड़खड़ा थोर शूराने दुश्मनाला चकवायचं असत सोपती नीला नाही स्वराज्याच्या आरतीत उसके बाद भालजी पेंढेरकर का स्टूडियो जला दिया गया था। हालांकि भालजी पेंढेरकर इस धक्के से उबर आए थे और फिर से इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो बना लिया था। पर इसके बाद सुलोचना आ गई पुणे, जहां पर इनके साथ थे राजा परांजपे, सुदीप फड़के और बाकी के साथी। यहां पे इन्होंने फिल्में की वह नीचिया बांगड़िया, बाला जो रे और स्त्री जन्मा ही तूझी कहानी। इन फिल्मों ने इन्हें मराठी फिल्मों की हीरोइन बना दिया। इस बीच इन्होंने कुछ हिंदी फिल्में भी की जैसे कि सुहागन और नन्हे मुन्ने। सुहागन में इनके साथ थी हीरोइन गीता बाली और इनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि गीता बाली ने भी अपनी बेटी का नाम कंचन ही रखा, सुलोचना जी की बेटी के नाम से प्रेरित होकर। घर की रानी बनने का आनंद खुद नौकरानी बनने में है राधा। वो दिन भर के थके हुए घर आके जब मेरे हाथ की रूखी सूखी रोटी खाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि भगवान ने मुझे जिस काम के लिए पैदा किया था वो मैंने पूरा कर दिया और मन की ये शांति जीवन की सारी थकन मिटा देती है। 1948 से लेकर 1993 तक सुलोचना ने पुणे फिल्म इंडस्ट्री में ही काम किया और इनकी मराठी फिल्म श्री जन्मा ही तुझी कहानी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुकी थी। उसके बाद हिंदी में भी इस फिल्म को बनाया गया औरत तेरी यही कहानी और भाभी की चूड़ियां, जो पहले मराठी में बनी थी वहिनी से बांगड़िया। धीरे धीरे ये माइथोलॉजिकल फिल्म्स करने लगी। इन्होंने तकरीबन 40 माइथोलॉजिकल फिल्म्स में काम किया। इसी बीच बिमल रॉय ने इन्हें रंजीत स्टूडियो में बुलाया और कहा कि फिल्म सुजाता में तुम हीरोइन की माँ का किरदार निभाओगी क्या। लोगों ने बहुत समझाया कि ऐसा मत करना सुलोचना, लेकिन बिमल रॉय के साथ काम करने का अवसर सुलोचना छोड़ना नहीं चाहती थी और इन्होंने हाँ कह दिया। इसमें भगवान की मूर्ति तो होगी लेकिन आरती उतारने वाला पुजारी न होगा। और इसी बीच ललिता पवार ने भी इन्हें समझाया कि देखो सुलोचना, अगर जिंदगी में लंबा करियर बनाना है तो हीरोइन का रोल छोड़ो और कैरेक्टर रोल्स पकड़ो। सुजाता के बाद तो ये पीछे हटी नहीं। फिर नासिर हुसैन की दिल देखे देखो से लेकर जेपी दत्ता की गुलामी तक इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स प्ले किए। बेशर्म, पुरखों की इज्जत के लिए बेटे अपनी जान दे दिया करते हैं। इतने बड़े आदमी के बेटे होकर तुम्हारे दिल कैसे इतने छोटे हो गए? क्या तुमसे इतना भी नहीं हो सकता? थोड़ा सा रुपया अपने पास से निकाल कर, थोड़ा और कहीं से इंतजाम करके अपना वो घर बचा लो जिसमें तुम्हारे पिता ने अपने प्राण छोड़े थे। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की त्रिमूर्ति राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के साथ काम किया, साथ ही दादा मुनि अशोक कुमार के साथ भी। क्या आपने कन्हैया लक्ष्मी को घर से जाने के लिए कहा? हां पार्वती, कहा है। क्यों? अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो उन्हें बुलाकर डांट देते। क्या वो हमारे बच्चे नहीं है? वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सुलोचना ने दो एक्टर्स को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की थी। एक एक्टर था जो इन्हें मिला था फिल्म राज की शूटिंग में, उसे देखकर इन्होंने कहा था कि ये सुपरस्टार जरूर बनेगा और वो बना भी, नाम राजेश खन्ना। उसी वक्त इन्होंने एक और लड़के के लिए प्रेडिक्शन की थी, फिल्म थी रेशमा और शेरा। इसमें थे इनके सामने अमिताभ बच्चन
और अमिताभ के लिए भी इन्होंने कहा था कि ये सुपरस्टार बनेगा और ठीक वैसा ही हुआ भी। बेटी, दूसरों की गुलामी से अपने पति के साथ फाके काट लेना कहीं अच्छा है, और जहां तुम्हारा कन्हैया है ना, वही वृंदावन है। इनके पति भी इनकी बहुत सहायता किया करते थे। इनके पति गुजर गए और इनकी बेटी की शादी हुई बहुत ही मशहूर मराठी एक्टर डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर से। डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर भी शादी के 4 बरस के बाद गुजर गए। सुलोचना जी ने बहुत कुछ देखा अपने जीवन में। तकरीबन 30 बरस तक ये कैरेक्टर रोल्स प्ले करती रहीं। इन्हें वी शांताराम अवार्ड से नवाजा गया और सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ने भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। यकीनन जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके शुरुआती पन्नों में सुलोचना जी का नाम भी आएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।